क्या आप जानते हैं, तीन औरतों को मांग में सिंदूर कभी नहीं भरना चाहिए, घोर अनर्थ हो जाता है। और दोस्तों, ये पाप करने के बाद व्यक्ति को अगले जन्म तक घोर पाप लगता है। ऐसी स्त्रियां होती हैं पापन, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर वन, जब किसी पुरुष और स्त्री की शादी हो जाती है तो दोनों में प्रेम संबंधों को लेकर कई नियम शास्त्रों में बनाए गए हैं। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, जब किसी स्त्री का विवाह हो जाता है तो उसे कई नियम शास्त्रों के अनुसार मानने पड़ते हैं, तभी ही उसका प्रेम सफल होता है और दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नहीं तो आप कहीं और भटकेंगे और आपका पति कहीं और भटकेगा। ऐसे में सात जन्मों तक का साथ भी नहीं मिलता। दरअसल शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपका पति होते हुए भी अगर आपके मन में किसी गैर मर्द का ख्याल आता है तो आपको उसी क्षण मांग से सिंदूर हटा देना चाहिए। फिर दोबारा आपको मांग में कभी सिंदूर नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आप एक पवित्र स्त्री नहीं हैं। दोस्तों, ऐसी औरतों को मांग में सिंदूर कभी नहीं भरना चाहिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप अपने पति के नाम का सिंदूर नहीं, किसी गैर मर्द के नाम का सिंदूर भरती हैं। इसीलिए ऐसा पाप ना करें। दोस्तों, नंबर टू, कई कुंवारी लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी छवि को और बेहतर बनाने के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप है। किसी भी कुंवारी लड़की को बिन बजाय मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। ये शास्त्रों का अपमान माना जाता है। ऐसा पाप आप कभी ना करें। ऐसी महिलाओं को अगले जन्म तक इन्हीं पापों की सजा भुगतनी पड़ती है, जो कि इसे शास्त्रों का उल्लंघन माना जाता है। ये पाप थोड़े से शौक के लिए कोई भी कुंवारी कन्या ना करें, शुभ लक्षण नहीं होते। इसे देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। दोस्तों, नंबर थ्री, एक वैश्या को मांग में सिंदूर कभी नहीं भरना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। सिंदूर एक पवित्र 16 श्रृंगारों में से सबसे बड़ा श्रृंगार माना जाता है। आपको बता दें, जब कोई वैश्या अपनी मांग में इसे भरती है तो सबसे भयंकर पाप माना जाता है। ऐसी गलती आप कभी ना करें। ये शास्त्रों का उल्लंघन होता है। ये पाप आपके अगले जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए ये अनर्थ ना करें। दोस्तों, अगर आप माता सीता से अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता सीता तेरी सदा जय हो। माँ के लिए एक लाइक तो जरूर ही करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।